जैसे आपने देखा कि आज हम कस्टमाइज टेम्पलेट तैयार करेंगे 3D टेक्स्ट लेयर का, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल से अपने लेयर को, अपने मतलब टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, कंट्रोल टी शॉर्टकट है, ट्रांसफॉर्म करके आप जितना साइज चाहिए उतना कर ले, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं, इसको करने का एक रीज़न है कि आप इसको दोबारा आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद इस लेयर को आप नीचे कर लें। अब जितने भी इफेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे अब इसी लेयर पे आप करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस लेयर को सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, इसे कंट्रोल टी दबाइए। अब क्या करना है, अल्ट को होल्ड करके एक बार डाउन की एरो की और एक बार राइट एरो की, ये दोनों को कंटिन्यूसली प्रेस करना है, ठीक है। एक बार मतलब डाउन, उसके बाद राइट, फिर डाउन, राइट, डाउन, राइट। कम से कम 20 से 25 कॉपीज आप बना लो, जितने भी मोटी लेयर का आपको वो चाहिए, ठीक है, 3D लेयर चाहिए। क्या करना है, जितने भी लेयर हम लोग ने बनाए थे उन सारों को सेलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल छोड़ के, ठीक है, और उसको ग्रुप कर लेना है। कंट्रोल जी कर लीजिएगा या सारे को ट्रैक करके आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिनल लेयर को सेलेक्ट करके कलर ओवरले हम लोग डालेंगे, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे फर्स्ट वाले लेयर का, ठीक है। ये आप देखो ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट करा है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी अपने हिसाब से देख लेना जो चीज़ें आपको ठीक लगे, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे रिवल एंड इम्बोज का ऑप्शन भी ओपन कर लो, थोड़ा सा और 3D लुक देता है वो, ठीक है। अब इसको हमको शेडो, जो हमारा जो शेडो बना या हमारा जो लेयर मोटा हुआ उसको भी कलर चेंज करना है उसका भी, क्योंकि ब्लू कलर में तो वो भी सारा ब्लू कलर में होना चाहिए उसका पूरा लेयर। तो हम ब्लू रखेंगे, बस थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम करेंगे कि वो डार्क हो जाएगा, ऊपर वाला ब्राइट होगा नीचे डार्क होता चला जाएगा, ठीक है। तो हमने डार्क कर रखा है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा शेडो डालेंगे, क्योंकि शेडो का क्या है, शेडो आप डालिए और शेडो पहले रिसेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप शेडो डालिए अपने अकॉर्डिंग, शेडो जिधर भी चाहिए आपको वो शेडो आप डाल लेना। शेडो से थोड़ा सा और ज़्यादा 3D इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसमें भी इम्बोज का ऑप्शन चेक कर लेना, अच्छा लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो हटा देना, ठीक, डन कर दीजिए अब इतने, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3D इफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसको कैसे अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जो ओरिजिनल लेयर था उस पर डबल टिक करोगे आप तो न्यू पैनल, न्यू लेयर ओपन हो जाएगा, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है उस वो ऐड कीजिए आप, जैसे कि मैं AAPLE एप्पल ऐड किया, ठीक है। अब इसको सेंटर में कर लीजिए, सेंटर अलाइन कर लीजिए, ठीक है। होने के बाद आप इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इस लेयर को कट कर दीजिए। तो करने के बाद देखोगे आपका टेक्स्ट जो है 3D में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन आपको अगर कोई टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो यहाँ डबल टिक कीजिए, ठीक है। डबल क्लिक करते ही आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप दोनों चीज़ों को जो भी ऑप्शन हम लोग ने करा वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शैडो का कलर चेंज करना तो यहाँ से आप कर लीजिए, सेम डबल क्लिक करेंगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रंट का कलर चेंज करना है तो ऊपर सबसे मेन वाला जब आप टेक्स्ट चेंज किया था वहीं फ्रंट चेंज कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।